आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोकॉन के रिजल्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बायोकॉन के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, आज इनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद इन्होंने अपने रिजल्ट्स डाले थे बीएससी की वेबसाइट से और हमने वहीं से डाउनलोड किए हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम और आप साथ में इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। पहले दोस्तों एक बार हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। सारे फिगर्स मिलियंस में है और एक मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 5785 से कम होके 4900। हालांकि ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है, 4300 से बढ़ के 4900 इनकी इनकम में। तो ईयर ऑन ईयर अच्छे रिजल्ट्स है। एक्सपेंसेस भी हालांकि अकॉर्डिंगली काफी बढ़ गए हैं। जो मेजर चीज होती है दोस्तों, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, सारी इनकम्स अगर मैं मिला लूं तो यहाँ पे देखिए 301 मिलियन से कम होके 124 मिलियन रह गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, 420 से कम होके 120 मिलियन। तो काफी बेकार रिजल्ट्स रहे हैं कंपनी के। इनके रिजल्ट्स दोस्तों मुझे कहीं भी एंगल से, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स तो इन कंपनी के किसी भी एंगल से अच्छे नहीं है। आइए अब हम एक बार इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की तरफ मूव कर लेते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि एनालिस्ट नॉर्मली कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को ज्यादा आप कह सकते हैं तवज्जो देते हैं। तो आइए दोस्तों कहाँ चलेंगे। एक मिनट दोस्तों, कहाँ चले गए इनके, हाँ सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा मैंने जल्दी ब्राउज कर लिया था। तो कंसोलिडेटेड में देखेंगे दोस्तों तो 17,000 मिलियन से बढ़ के इनकी इनकम 21,000 मिलियन हो गई है YOY। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है 10% से ज्यादा का। ओवरऑल दोस्तों इनके अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो वो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, रियली सॉरी फॉर दैट। वो मैं सेगमेंट वाइज देखने लगा था जल्दी जल्दी में। 18,000 मिलियन से बढ़ के इनकी इनकम हो गई है 22,000 मिलियन YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24,000 से कम होके 22,000 रह गई है। एक्सपेंसेस आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 15,860 से बढ़ के 19,700 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी मजा नहीं आया है। लेकिन हालांकि एक चीज अच्छी है कि आप YOY में इनके कंसोलिडेटेड में हमें प्रॉफिट्स देखने को मिल रही है, 1,000 मिलियन से बढ़ के 1,600 मिलियन हो गई है। तो यहाँ पे करीब 60% की ग्रोथ है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो गई, 2,800 मिलियन से कम होके 1,600 मिलियन। तो ओवरऑल दोस्तों स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड सब कुछ मैं देखूं तो इनके रिजल्ट्स मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की मुझे ज्यादा उम्मीदें लग रही है। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक 310 से 340 की रेंज में घूम रहा है। तो इनकेस आप अगर पोजीशन बनाते हैं तो 305 का स्टॉप लॉस रखिएगा। पहला टारगेट रहेगा हमारा 342 के पास का, और अगर उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो ये 375 तक कुछ ही दिनों में जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लान आउट करिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।